हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैरी भाई एवन बिजन। तो आज आपको लॉफ्ट का शौक करवाते हैं। लॉफ्ट हमने खुद ही मेक करा है। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये लॉफ्ट का पूरा व्यू, तो साइड से भी आप देख सकते हैं। चलो गाइस अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये पल्ला बनाया हुआ गेट हमने, जिससे एंट्री गेट। और ये गाइस, इस लॉफ्ट की एक ख़ास बात है, ये हमने बिना वेल्डिंग से बनाया है। इसमें हमने यूज़ करा है एल पत्ती का, एक इंची पाइप में, ठीक है गाइस। इस लॉफ्ट में एक ख़ास बात और है, ये सारा फोल्डिंग वाला जाल है। आप कभी भी इसे सारी पत्तियां खोल के फोल्ड कर सकते हैं। और अभी इसमें पेंट होना बाकी है, तो हमने प्राइमर मार के छोड़ दिया है। और गाइस, ये इसका शौक करवाते हैं। हमने जो बैठने का इनका ये डंडे लगाए हैं, ये पाइन की लकड़ियां हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। इसमें कबूतर आराम से बैठ सकता है। और इस तरफ हमने इसलिए लकड़ी नहीं लगाई क्योंकि यहाँ खड़े होके कबूतरों का शौक किया जा सकता है, सो सर पे अड़े ना। तो ये हमने एक चिटकनी का ऑप्शन रखा हुआ है, जो कि अंदर आते समय गेट को लॉक हो जाए, ठीक है गाइस। और ये ऊपर से एंट्री, ये गेट बनाया हुआ है, जब कबूतर उतर के आए तो यहाँ से एंट्री करें, ठीक है। ये पूरा पल्ला बनाया है 2x2 का, ऊपर से जाली लगाई है और चिटकनी भी। और इसका अंदर का भी एरिया 2x2 है, 2x2 का, ठीक है, जो कि कंफर्टेबली साइज़ है। कबूतर इजीली अंदर आ जाएगा। तो गाइस, ये इसका एरिया है जहाँ कबूतर घूम फिर सकता है आराम से। और ये हमने मेल और फीमेल का दो पार्टीशन में बनाया है, तो आपको एक पार्टीशन का। और ये हमने, ये यहाँ से हमने चिटकनी का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं इजीली ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा था ये सारे लॉफ्ट को बनाने में, सो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम एक हमने फड़की बनानी है, जिससे कबूतरों को रिलीज़ करा जाएगा। तो जब हम बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, अंदर का आपको रिव्यू दिखाते हैं, ठीक है ना, अंदर से हमने कैसे बनाया। सो गाइस, ये हमने गेट बनाया है 2x4 का साइज़ है, और ऐसी सेम दूसरी तरफ है। और इसमें हमने यूज़ करी है मेट्रो शीट। सो गाइस, ये गर्मियों में काफ़ी हीट हो जाती है, तो इसके लिए भी हमने कुछ और एक नई चीज़ ऐड ऑन करनी है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। अभी तो फ़िलहाल हमने थर्माकोल की शीट्स ऊपर बिछा रखी हैं रूफ पर। सो जब हम चेंजेस करेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे वीडियोस। और ये हमने परचेज़ बनाई है बैठने की बॉक्सेस में। सो गाइस, इसमें जो भी चीज़ है सभी फोल्डिंग वाली है, सब फोल्ड हो जाती है। और ये हमने कुछ पेटियां बनाई थी, ये भी हमने खुद ही बनाई हैं। और आप देख सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल हमने ब्रीडिंग हो रही है यहाँ। और ये हमने बैठने का बनाया और पेंट कर दिया था उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखो कंफर्टेबल साइज़ है, एकदम आराम से कबूतर 1x1 का खाना है ये। और ये है डिस्पेंसर, जो कि कमल भाई के स्टोर से आप ले सकते हैं इजीली, कमल अरोड़ा जी के। और ये अभी ब्रीडिंग चल रही है, अभी तो फ़िलहाल हमने ब्रीडिंग सेटअप बना रखा है। वैसे हमने उड़नों के लिए बनाया है मेल फीमेल का, तो इस ब्रीडिंग के बाद ये पेटियां यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, तो ये खाली हो जाएगा। तो सेम इसी तरह भी हमने यही चीज़ सेम बनाई है। और ये घर के कुछ लवली चिक्स हमारे चैंपियंस ब्रीड के। और ये इसका पूरा रिव्यू है। सो गाइस, ये हमने पूरा पाइन में यूज़ करा है, ये फोल्डिंग वाला है पूरा, यहाँ से नट लगे हुए हैं। और यहाँ हमने जिगजैग कटिंग करी है, जो कि खाचे बन जाते हैं, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आप किसी कारीगर से भी बनवा सकते हैं, या खुद बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कटिंग में थोड़ा रिस्क होता है। सो गाइस, ये लॉफ्ट का पूरा रिव्यू ऊपर से।
आप देख सकते हैं कितना ओपन एरिया और दूर दूर तक सब नज़र आते हैं यहाँ से। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी सो प्लीज़ कमेंट लाइक करना और ज़रूर बताना कि आपको मेरा लॉफ्ट कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसी न्यू वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स पर आती रहेंगी, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।